तो गाइस यहाँ पे मैंने जल्दी बल्दी है और ये सब लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज है भैया और भाभी की एनिवर्सरी, तो जल्दी बल्दी वाला आज रेडी कर लिया है ये टोकरी। क्या मम्मी कैसी है? अच्छी है, ठीक है, बढ़िया लग रही है। चलो तो चलो गाइस चलते हैं, आप सरप्राइज देते हैं भैया और हमने जल्दी बल्दी वाला गिफ्ट रेडी किया है, ठीक है, हमारे छोटे बेबी के साथ पहला एनिवर्सरी बन रही है इनकी, पहली एनिवर्सरी पे वो भी एक्साइटेड है। लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, चॉकलेट खा लेना, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, पप्पा पप्पी लेके आए, तुम भी ले लो, इंस्टेंट रेडी किया है, ठीक है, बिस्किट खा लेना है, देख रहा है ऑर्डर से। देखो खोलो, तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है मैंने, खोलो 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 खोलो, भैया के लिए कुछ नहीं है, तुम चॉकलेट खाना, ठीक है। चूड़ा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत चूड़ा, रात के 12 बज रहे हैं, मतलब तो 12:10 हो चुके हैं और अब मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि 11 बजे मैंने बनाना शुरू किया था, सबका मन था आलू के पराठे खाने का, तो 11 बजे मैंने आलू बॉइल करने के लिए रखे, फिर उसके बाद जो है मैंने बनाए और सबने फिर पराठे खाए और मैंने नहीं खा पाए थे, तो लास्ट जो है अब मैं ही खा रही हूँ। बीच में 12 बज चुके थे तो भैया भाभी को एनिवर्सरी विश करने के लिए चले गए, तो छोटू सा सरप्राइज इनको दिया, फिर उसके बाद अब जाके मैं खाना खा रही हूँ और 12:10 का टाइम हो रहा है, तो आप लोग भी अगर खाना खाने के लिए तो एक पराठा खाऊंगी और रात में आलू का पराठा इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, ठीक है, बाय बाय। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम, जी हाँ, और बस अभी उसके बाद पहले मैं जो है ना जब भी सोकर उठती हूँ तो मैं बाहर ज़रूर देखती हूँ, सो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो अंदर कर रही थी मैं साफ सफाई क्योंकि डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो डेली का ये मैंने झाड़ू लगाने से पहले करती हूँ। तो यहाँ पे दिखा रही थी मैं आपको शादी का कार्ड जिसमें अब हमारा नाम भी लिखा हुआ आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो भाई यहाँ पर रह रहे हैं मम्मी के साथ में, तो मतलब कोई भी अगर कार्ड या दावा देने के लिए आता है ना तो हमारा नाम भी लिखा रहता है उसमें, तो बस इसीलिए। और बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी कि बहुत ज़्यादा धूल धूल, और मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना मैं अगर मेरी बारी आती है तो हमेशा मैं पूरा सब डस्टिंग वगैरह करके ही मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, तो आप लोग भी आ जाए चाय पीने के लिए, और बस चाय पीने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सो ये बाहर का है जो कि हम लोग डेली ही मतलब सुबह के टाइम में मम्मी जल्दी उठती हैं तो जल्दी ही वो धोना धाना शुरू कर देती हैं उन लोगों के आने से पहले, क्योंकि अभी तक हमारे घर का काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह थोड़ा सा तलाई करनी पड़ती है, पानी वगैरह डालना पड़ता है, यहाँ जहाँ पर सीमेंट वाला काम हुआ था तो वहाँ पर कर रहे हैं, और ये सारे जीने वगैरह सब कुछ धो देंगे। उसके बाद मैं आ गई यहाँ रूम में, पापा वाले रूम में, तो यहाँ पर मैं कांच वगैरह क्लीन कर रही हूँ, पूरा मैंने साफ़ सफाई की है, तो बस ये भी हो गया है अच्छे से क्लीन। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो कौन आया है, तो हमारे यहाँ पे आए हैं ये किन्नर लोग,
तो ये लोग आ गए हैं सुबह सुबह हमें, और एकदम सरप्राइज ही हो गया हमारे लिए। और आज ही के दिन हमारे भैया और भाभी की एनिवर्सरी है, तो आज ही के दिन वो लोग आ गए हैं, ये इत्तेफाक था। और अच्छा लगा हम लोग को ये लोग हमारे घर पे आए, और मतलब भैया और भाभी की एनिवर्सरी भी है और इनका आना भी हो, और हमारे हारून को भी देखने के लिए नहीं आए थे ये, तो वो उसको भी देख लेंगे, क्योंकि जब बेटा पैदा होता है ना घर में, तब उस टाइम पर ही ये लोग आते हैं। तो बस अभी इनके लिए मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, तो इनको चाय नाश्ता कराते हैं, फिर उसके बाद ये अपना डांस वांस शुरू करेंगे, जो कि होता ही है जहाँ पर भी ये लोग जाते हैं, तो डांस तो ये लोग करते हैं। तो बस अभी मैं चाय बना करके इन लोगों को दे देती हूँ। और यहाँ पर मम्मी ने पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, तो मम्मी ने खुशी खुशी पहले तो इनको 11,000 रुपये अपने आप से ही दे दिए थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले नहीं मांगे थे। फिर मम्मी ने यहाँ पे एक साड़ी निकाली, साड़ी और 11,000 रुपये मम्मी अपनी तरफ से ही दे रही थी खुशी खुशी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर लास्ट में जो है उन्होंने और पैसे मांगे, तो वैसे तो जो है 21,000 रुपये मांग रहे थे वो लोग। तो अभी देखते हैं, फिर से हमें नॉन गिनने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मान रही हैं, वो पूरे लेके जाएंगे। तो फिर से यहाँ पे वो लोग पैसे गिन रही हैं, और पैसे लेकर वो खुश हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना डांस शुरू कर दिया। Yeah.
पल्लू करो बेटा पल्लू बैठ गई पानी पी लो और बैठ गए अल्लाह अच्छा रहे तो काला बना दे नहीं इसको भी दुआएं दे दो खुश बनी रहो पानी अच्छा रहे जल्दी भैया आए तुम्हारा दो दिन अच्छा जी सलाम अलैकुम घर में बरकत तुम्हारे घर में अल्लाह ताला को दे तुम्हें बस ऐसे ही बरकत बनाए रखे सही और ऐसे ही खुशी खुशी जाते रहो ऐसी आती रही ऐसी खुशी खुशी ले जाए हम चावल शक्कर एक साड़ी 15,000 रुपए 100 रुपए अलग ये तो रही थी फोन लगा रही थी मेरे को पता नहीं हम तक नंबर वंबर यार पता नहीं पड़ा निकल गए 4 महीने का बच्चा हो गया हमें तो मालूम था जी खुल करके आगे गेट तो बंद रहते हैं तुम्हारी तकराई वैसे तो निकलती देखिए ना लोग सलाम वलाम करती थी जमुना कदा गोदी में झट झट जमुना गोदी में लेट गया कोई को देख क्या जाएगा झट जमुना गोदी में लेट गया तो गाइस आज हमारे घर पे जो है सुबह ही सुबह में हमने सोचा भी नहीं था यार हम सोच रहे थे बहुत टाइम से कि वो लोग नहीं आए हैं तो आज किन्नर लोग हमारे घर पे आए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सुबह ही सुबह उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया हम लोग को यार इनका आना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है घर पर कि चलो ये आते हैं बहुत सारी दुआएँ दे के जाते हैं और बहुत सारी चीजें रहती हैं तो चलो अच्छा लगा वो लोग आए हमारे घर पे बेटा क्या सोना होरन अभी सुबह सुबह उठा दिया मैंने होरन को जल्दी क्योंकि वो लोग आए हुए थे तो गाने की आवाज़ आ रही थी तो उठ गई है और अब रो रही है।